दोस्तों टाटा कंपनी ने दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक सेडान कार को शोकेस किया था 2018 के जिनेवा मोटर शो में, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक इसका जो एक्सटीरियर का डिजाइन था और इसके जो इंटीरियर के फीचर्स थे वो काफी हद तक प्रीमियम थे। पर्सनली मुझे इस कार का जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इस कार का नाम कंपनी ने तब दिया था ई-विजन। जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो शायद इसका नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है, और आज के डेट में टाटा कंपनी इस कार के ऊपर काम कर रही है तो ये कार बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और ये एक प्रीमियम सेडान इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी ये कार एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी आराम से, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात रहने वाली है। वही अगर मैं टाटा की बाकी इलेक्ट्रिक कारों की अगर मैं बात करूं, आज के डेट में टाटा कंपनी इंडिया में नेक्सॉन ईवी को बेच रही है जो कि सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है आराम से। इसके अलावा टिगोर ईवी टाटा कंपनी आज के डेट में इंडिया में बेच रही है। अगर मैं ई-विजन इस कार की अगर मैं बात करूं तो इस कार को इंपैक्ट 2.0 डिजाइन पर डेवलप किया था, मतलब उस डिजाइन पर इसको बिल्डअप किया था। इसके एक्सटीरियर डिजाइन की अगर मैं बात करूं, इसका फ्रंट फीचर, इसका साइड का प्रोफाइल और इसका रियर का प्रोफाइल दिखने में काफी हद तक बढ़िया है, और जो 2018 में कंपनी ने मॉडल को शोकेस किया था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे फ्रंट फीचर में, रियर फीचर में, लाइटिंग सेटअप में, क्योंकि 2018 का जो मॉडल था उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, वो प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं था, तो यहाँ पर हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में आपको LED DRL की लाइन देखने को मिल जाएगी, LED हेडलाइट का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है तो इसके फ्रंट में आपको ग्रिल्स का सेटअप नहीं मिलेगा, शायद थोड़ा सा डिजाइन कंपनी दे सकती है इसके फ्रंट फीचर में। वही इसके फ्रंट में ड्यूल टोन के बंपर्स कंपनी दे सकती है। ORVMs भी आपको बॉडी कलर के मिलेंगे जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साइड प्रोफाइल में कंपनी क्रोम का इस्तेमाल भी कर सकती है। रियर फीचर की अगर मैं बात करूं तो इसके रियर में जो टेल लाइट का डिजाइन है वो काफी हद तक बढ़िया था। इसके अलावा इसके रियर में आपको वाइपर, शार्क फिन एंटेना और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ये तो हुआ इसका एक्सटीरियर लुक, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपकमिंग ई-विजन इस कार के अंदर वो है इसका इंटीरियर। हालांकि इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं कुछ वीडियो या फिर इमेजेस डिस्प्ले कर दूंगा, तो इसका जो इंटीरियर का जो कॉकपिट है, फ्रंट का कॉकपिट है, वो दिखने में काफी हद तक बढ़िया है और इंटीरियर का थीम काफी हद तक यूनिक रखा था कंपनी ने। शायद सेम टाइप का इंटीरियर कंपनी प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर भी देख सकती है, जिसके अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर, डोर्स के ऊपर और अपोल्स्ट्री के ऊपर आपको वुडन के एक्सेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम टच आ जाता है। वहीं इसके अंदर एंटरटेनमेंट के लिए एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जो ऑटो एक्सपो का जो मॉडल था उसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नीचे से आता था, जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी आपको अपकमिंग ई-विजन इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर ड्राइवर भाई के तो बहुत ज़्यादा मजे होने वाले हैं। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन आप देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, वो बाकी की इन्फॉर्मेशन उस स्क्रीन के ऊपर शायद डिस्प्ले हो जाएंगे, तो कंपनी ये फीचर भी प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर दे सकती है। वहीं अगर मैं सेकेंड रो की बात करूँ तो सेकेंड रो की कुछ इमेजेस मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, वो इमेजेस आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम यह कार रहने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो टाटा कंपनी इस कार को 2022 के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। वही अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इस कार की प्राइसिंग इंडिया में 25 लाख रुपए के ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स भी वैसे आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं और इसकी रेंज भी आपको जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस कार की रेंज है 1000 किलोमीटर और इसके अंदर बहुत ही प्रीमियम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि अपकमिंग टाटा ई-विजन इस कार के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में, एक्सटीरियर में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।